क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में, 2015 में चार नंबर आ रखा है, बहुत प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, लेकिन ये उतना डरावना है नहीं। मैक्सिमम 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे और क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये दिया हुआ है कि ये हमें स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये फिगर बनी हुई है शेप, और इसका हमें एरिया निकालना है, मतलब ये शेप निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये 3 तो ये 3, टोटल कितना हो गया 6 हो गया ना। ध्यान से देखना हमारे अंदर, तो ये टोटल कितना बैठा है, ये टोटल कितना हुआ सर, ये हो जाएगा 14। क्यों? 14 माइनस 3 प्लस 3 ब्रैकेट में लिखो, कितना आएगा 14 माइनस 6 इक्वल टू, मतलब ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब यहां से देखो, इसको इससे मिला दो, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला कितना बच गया, ये 4 हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भी 4 हो जाएगा। ऐड करो, 4 प्लस 4 8 प्लस 3 11 और प्लस 3 14 आएगा, बिल्कुल आ गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, ये 14, अब ये इरेज कर देता हूं ये समझाने के लिए था, क्योंकि इसमें अभी फिर से मुझे कुछ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये 14 आएगा, अब देखो इसको मिला दिया मैंने, ये और ये स्क्वायर बन गए। अब ध्यान से देखना, ये टोटल मेरा 8 था, तो 8 में से ये आधा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो है ना, मतलब ध्यान से देखना, ये टोटल 8 था ना, तो 8 में से कैसे किससे क्या किया मैंने, 8 में से ये अगर मेरा, देखो ध्यान से, इक्वल आधे आधे हिस्से में डिवाइड करता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये 4 है तो ये पूरी डायमीटर कितनी हो जाएगी, ये पूरी 2 हो जाएगी, और ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी। यहां तक क्लियर है अच्छे से? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो अब सबको ऐड कर लो, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5, और ये कितना हो गया 4, ठीक है। यहां तक क्लियर है अच्छे से? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखो कैसे करेंगे, यहां आपको समझ में आ गया, अब कैसे करेंगे, अब मैं किसी तरीके से इस स्क्वायर के एरिया से ये वाली फिगर, मतलब ये वाली, मतलब ये स्क्वायर माइनस कर दो और ये सेमी सर्कल माइनस कर दो, ये 2 3 4 सेमी सर्कल है, इनको मैं माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो ये शेडेड पार्ट बचेगा। यहां तक समझ में आया, यही शेडेड पार्ट बचेगा, अच्छे से क्लियर है। अब करेंगे कैसे, तो किसी तरीके से स्क्वायर के एरिया से मैं ये माइनस कर देता हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, बड़ा लिख दो, माइनस, ध्यान देखा, माइनस क्या कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब 4 × 4 सेमी सर्कल है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहां तक क्लियर है कि सबसे पहले ये जरूरी चीज है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखना क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है 14, क्योंकि हमें साइड भी है, तो साइड का स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसकी साइड कितनी है 4, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनस, और फिर क्या, माइनस 4 × π r² सेमी सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्लियर है आपका, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो देखो इस 4 से ये 4 कटेगा, तो क्या है अल्टीमेट मेरे पास, 14 का स्क्वायर मतलब 196 माइनस कितना आएगा 16 माइनस, अब देखो ध्यान से देखना, पाई पाई कितना है मेरे पास 3.14 इंटू आर, सर आर कितना है, देखो ये डायमीटर होगी, तो डायमीटर आधा कितना होगा रेडियस, यहां तक क्लियर, ये देखो ये पूरी देखो ना आराम से, ध्यान से देखो अच्छे से समझ में आ गया, डायमीटर का आधा कितना होगा, ये सर्कल की रेडियस कितनी निकली, ध्यान से देखो सबसे बड़ा टास्क यही है। अब यहां से देखो ये 4 है और तो ये पूरा 4 है, तो 4 का आधा कितना होगा, ये हिस्सा, ये 2 होगा, तो इधर भी ये 2 होगा, और इसी तरीके से ये पूरा 4 है, ये तो ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, देखो ध्यान से 3 प्लस 2 कितना हुआ, वो 3 प्लस 4 7 और 4 प्लस 3 ये भी 7, आगे यहां तक समझ में,
और देखो तो सर्कल का कितना हो जाएगा पाई और आर कितना है 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 196 माइनस 60 माइनस, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, एक्चुअली एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 नहीं होता है यहां पे 2 आता है, यहां पे कितना आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 2, सेमी सर्कल के अंदर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से ये 2 कट गया कितनी बार में 2 टाइम, तो यहां से 3 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2, बस ये गलती हो गई थी हमसे, तो हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, ये यहां तक ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 3.14 * 4 जो 2 * 4 = 8, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 माइनस 25.1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा, ये बता देता हूं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 196 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41.12, तो कितना आ गया ये यहां से माइनस करते हैं तो 196 और 41.1, तो यहां से कितना आ गया यहां से तो आ गया 88 और इधर से कितना बचेगा 5 में से किया 4 और 19 154, तो कितना आ रहा है 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपने कैसे इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से करा, एक एक पार्ट समझ में किया, देखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन ये मुश्किल था नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट समझना, एक एक स्टेप लिखना जितना मैंने बताया है और अपने कंसेप्ट को मजबूत करना, बहुत प्यारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब मान के चलिए टॉपर के लिए डिसाइड किया गया क्वेश्चन है कि भाई सिर्फ टॉपर ही बचा कर पाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग इस लेवल के क्वेश्चन करते नहीं है तो इसलिए एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें टफ लगते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि ये टफ नहीं होती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और इस लेवल के कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते क्योंकि हमने पढ़ा नहीं रखा होता, तो अच्छे से नोट डाउन करना जितने भी स्टेप बताए, वीडियो को पूरा देखना, ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।